अब देखते हैं खबरें जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रियंका गांधी को ट्रंप कार्ड के रूप में प्रदेश की राजनीति में उतारने जा रही है। प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में आगामी 29 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकती है। लखनऊ की इस रैली में प्रियंका करीब 60,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी। बता दें, इससे पहले प्रियंका सिर्फ रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर तक ही प्रचार करती थी, लेकिन इस नए प्लान के तहत वो प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा में कांग्रेस के लिए वोट मांगती नजर आएगी। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में प्रियंका करीब 100 रैलियां करेंगी। बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को इस रैली में प्रियंका के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित, प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात में दमन का माहौल है, यहाँ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, दलित समाज के बच्चों से मेरी विनती है कि आप आत्महत्या की कोशिश ना करें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ऊना के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने भी ऊना पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल है, तो दूसरी तरफ RSS, गोवलकर और नरेंद्र मोदी। यहाँ पर भी जो इस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी बड़े कॉरपोरेट के साथ लड़ता है, उसे दबा दिया जाता है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। BSP चीफ मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर पार्टी ने कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया है। BSP के कई कार्यकर्ता और नेताओं ने दयाशंकर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बसपा द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में दयाशंकर के खिलाफ कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। चंडीगढ़ की पार्टी अध्यक्ष जन्नत जहां ने कहा, जो व्यक्ति दयाशंकर सिंह की जीभ काट कर लाएगा, उन्हें 50 लाख का इनाम मिलेगा। दयाशंकर के बयान को लेकर BSP की MLA उषा चौधरी ने कहा, दयाशंकर के DNA में ही गड़बड़ी है। दयाशंकर के खिलाफ BSP ने कई राज्यों में मोर्चा खोल रखा है। BSP के बैनर और पोस्टर में दयाशंकर के लिए कुत्ते जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने बिना पैन कार्ड का डिटेल भरे बड़ी धनराशि का बैंक के माध्यम से लेन देन किया है, तो सावधान हो जाए। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों की लंबी सूची तैयार की है जिन्होंने ऐसा किया है। शुरुआती तौर पर IT विभाग ऐसे 7 लोगों को पत्र लिखने वाला है और उनसे जानकारी मांगी है। अगर वे सही समय पर जानकारी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। अभी तक मिल रही खबरों के मुताबिक आयकर विभाग के पास 2009-10 से लेकर 2016-17 तक कुल 90 लाख ऐसे लोगों की जानकारी है जिन्होंने बिना पैन नंबर डाले बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन किया। विभाग बिना पैन नंबर का ब्यौरा दिए बड़ी धनराशि का ट्रांजैक्शन करने वाले 7 लाख लोगों को शुरुआती नोटिस जारी करने वाला है। BSP प्रमुख मायावती ने खुद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले UP BJP के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पर एक बार फिर बयानों के तीर छोड़े हैं। मायावती ने कहा कि लोग न सिर्फ बहन की तरह उनका सम्मान करते हैं, बल्कि उन्हें देवी भी मानते हैं। BJP नेता ने ऐसा बयान देकर शर्मनाक काम किया है। उन्होंने कहा, मैंने कभी लोगों से सड़क पर आने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये उनका सम्मान और गुस्सा ही है जो आज लखनऊ और देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिला है। दयाशंकर के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कहा, BJP ने उनके खिलाफ एक्शन तो लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि पार्टी अपने उपाध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मायावती ने कहा, अगर BJP के नेता दयाशंकर सिंह के खिलाफ खुद FIR दर्ज कराते तो वो मेरा दिल जीत सकते थे, पार्टी से निकाल देना एक सामान्य बात है। BSP सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कहे गए अपशब्दों के विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जमकर बवाल मचाया। बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। ये कार्यकर्ता BJP का दफ्तर घेरने जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस बीच चंडीगढ़ से पार्षद और BSP संयोजक की पत्नी जन्नत जहां ने ये बयान देकर सनसनी फैला दी कि जो कोई भी UP के पूर्व BJP उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की जुबान काट कर लाएगा, उसे वो 50 लाख का इनाम देगी। दरअसल दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को टिकट बिक्री मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मायावती जिस तरह से मोल भाव कर रही है, इस तरह एक वेश्या भी अपने पेशे को लेकर नहीं करती।
बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता दयाशंकर पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस दयाशंकर की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस सबसे पहले लखनऊ के केसरबाग स्थित उनके आधिकारिक आवास पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। वहीं लखनऊ में धरने पर बैठे बीएसपी नेताओं ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना धरना खत्म कर दिया है। लखनऊ के डीएम ने 36 घंटे में बीजेपी नेता दयाशंकर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस बीच पुलिस ने दयाशंकर तक पहुंचने के लिए उनके भाई धर्मेंद्र सिंह को बलिया से हिरासत में लिया है। बलिया में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। राज्यसभा में जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि भारत के सभी विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के साथ जुर्म और भेदभाव होता है। रोहित वेमुला ने अपमानित होकर ऐलान किया कि मेरा जन्म ही मेरा अपराध है। उन्होंने कहा, हम तालिबान की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन इस देश की जाति व्यवस्था भी तालिबानी सलूक करती है। दलितों पर हो रहे हालिया हमलों पर हो रही चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज गाय भैंसों का इलाज मुश्किल हो गया है, लेकिन ये अपने आप को गोरक्षक कहते हैं। दलितों पर रोज जुल्म होते हैं, लेकिन राज्यसभा में केवल चर्चा होती है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। दलित महिलाओं पर रोज अत्याचार होता है, रोज कहीं ना कहीं दलितों के सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि दलितों को न्याय कैसे मिले जब सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज है ही नहीं। 21 संसदीय सचिव के मसले पर अब दिल्ली सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी ओर से आधिकारिक जवाब दे दिया है, लेकिन रोचक बात यह है कि दिल्ली सरकार ने कुछ अहम तथ्यों पर साफ साफ जवाब देने से बचते हुए सवालों को ये कहकर टाल दिया कि इन संसदीय सचिवों से मंत्री काम लेते हैं और वही बता सकते हैं कि इन संसदीय सचिवों से कौन सा काम लिया जा रहा है और प्रशासन विभाग को संसदीय सचिवों के कामकाज की जानकारी नहीं है। इन सचिवों को कौन सी सुविधाएं मिल रही है उस पर भी विभाग ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में वो उन विभागों से जानकारी लेकर चुनाव आयोग को बताएंगे जिन विभागों के साथ ये संसदीय सचिव काम कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन भी अब तैयार होने वाली है। आईटीओ से कश्मीरी गेट तक ये लाइन पूरी तरह अंडरग्राउंड है। इसके लिए टनल तैयार कर ली गई है। ट्रैक बिछाने के बाद अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। डीएमआरसी के सूत्रों के मुताबिक इस लाइन पर अगस्त के आखिर में ट्रायल रन शुरू होगा, जो करीब 2 महीने चलेगा। ट्रैक ओएचई और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के बाद कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी इस लाइन का निरीक्षण करेंगे और अगर हरी झंडी मिलती है तो इस साल के आखिर तक लोगों को इस लाइन पर मेट्रो के सफर की सुविधा मिल जाएगी। इस लाइन पर तमाम ऐतिहासिक इमारतों के होने से मेट्रो लाइन को हेरिटेज लाइन का नाम दिया गया है। आईटीओ के आगे दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और लाल किला जैसे मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में अगले 48 घंटों में मानसून की बारिश में एक बार फिर तेजी आ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मानसून हिमालय की तलहटी से खिसक दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू कर देगा। इस वजह से जहां एक तरफ गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में 22 तारीख की रात से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ हिमालय के तमाम इलाकों में मानसूनी बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों में भी 23 जुलाई से अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मानसूनी बारिश का ये दौर जुलाई के अंत तक चलेगा। राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला 23 जुलाई से देखने को मिलेगा।